नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। अब के पाठक जो है वो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद से भिड़ गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब अतुल प्रसाद का ट्वीट आ गया है और ट्वीट किस मुद्दे पे आया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि के पाठक पर जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जो है वो भड़के हुए हैं, ट्वीट किए हैं। ट्वीट का मुद्दा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आपको पता होगा कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की जो है बहाली प्रक्रिया चल रही है और अब फिलहाल जो है अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और इस वेरिफिकेशन में जो है शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वेरिफिकेशन में। और इसको लेकर के पाठक जो है नाराज़गी जताए थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षक जो है गैर शैक्षणिक काम नहीं करेंगे, उनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाए। जिसके बाद अब अतुल प्रसाद का ट्वीट आ गया है। अतुल प्रसाद भड़के हुए हैं, उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल वो ट्वीट जो है वो इंग्लिश में है, जिसको हम आपको बताते हैं कि क्या लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और बाद में बदलाव करती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारे TREDV को रद्द करने की कोशिश की है, यानी कि टीचर बहाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द करने की कोशिश की है, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। तो बिना नाम लेते हुए अतुल प्रसाद ने के पाठक पर निशाना साधा है और ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से शिक्षा विभाग के टीचर्स एवं अन्य अफसरों की ड्यूटी हटवा ली गई है। अब आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने खुद ही पहले अफसरों की ड्यूटी लगाई और बाद में उसे बदल दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो तत्व हमारी शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं, उन्हें और मेहनत करनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ट्वीट में क्या लिखा गया है अतुल प्रसाद के द्वारा के पाठक पर निशाना साधा गया है। बता दें कि जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, शिक्षक को काम लगाया गया। हालांकि के पाठक के समर्थन में कल ही बिहार सरकार के मुख्य सचिव जो हैं आमिर सुभानी वो भी उतरे थे, जिसके बाद अब अतुल प्रसाद का रिएक्शन आ गया है। बीपीएससी चेयरमैन ने वैसे तो अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, मगर माना जा रहा है कि उनका यह निशाना सीधे तौर पे शिक्षा विभाग के पाठक पर था। पाठक के निर्देश पर ही बीते मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने बीपीएससी सचिव को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने नियमावली का हवाला देते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया को शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर आपत्ति जताई। उन्होंने ड्यूटी पर लगे अफसर और कर्मियों को तुरंत कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद का जो है रिएक्शन आ गया है, ट्वीट आ गया है। तो क्या के पाठक इस बार जो है आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद से भिड़े हैं, क्योंकि आए दिन वो विवादों में रह रहे हैं। जिस तरीके से पहले शिक्षा मंत्री, उसके बाद राज्यपाल, तो अब क्या बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद हैं के पाठक के सामने और उन्होंने ट्वीट कर दिया है, ट्वीट करके कटाक्ष किया है। हालांकि उन्होंने इसमें ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है, बिना नाम लिए ही उन्होंने के पाठक पर निशाना साधा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।